वेलकम टू लिजीज किचन। आज हम बना रहे हैं चावल की खीर। ये खाने में बहुत मज़ेदार होती है, इसको बहुत सारे लोग अपने अपने स्टाइल में बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसे अपने स्टाइल में बनाना। इसके लिए मैं ले रही हूँ 1 लीटर दूध, जो पहले से गर्म करके रख चुकी हूँ। नेक्स्ट मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा ज़ाफ़रान। मैं ये खीर को पके हुए चावल से बना रही हूँ। ये देखिए तो चावल पक रहा है। दूसरी तरफ मैं दूध को फिर एक बार गैस पर रख दूंगी और इसमें चम्मच चलाते रहूंगी। दो चम्मच साबूदाना, जो 15 मिनट पहले भिगा कर रखा था हमने। साबूदाने को मैं 10 से 15 मिनट के लिए पका लूंगी गैस पर रख के। इधर मैं मिक्सर जार में पका हुआ खाना डाली हूँ। पके हुए खाने को हमें दरदरा सा पेस्ट बनाना है। आप चाहे तो फाइन पेस्ट बना लीजिए, लेकिन मैं इसे दरदरा सा पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए बिल्कुल तैयार है। अब मैं ये इसमें डाल रही हूँ दूध में। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखिए थोड़ा पतला लग रहा है इसमें, और थोड़ा सा पका हुआ खाना मैं डालूँगी। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं नेक्स्ट इसमें डालूंगी इलायची पाउडर 1 चम्मच, वनीला एसेंस 1/2 चम्मच। ये दोनों चीज़ें डाल के मैं मिक्स कर लूँगी। फिर डालूंगी इसमें मैं साबूदाना, थोड़ा कच्चा सा रखी हूँ मैं साबूदाना, इसमें पक जाएगा अच्छे से। इसमें डालूंगी मैं शक्कर 2 कप। शक्कर डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। फिर मैं डालूंगी इसमें मिल्कमेड। मिल्कमेड डालने के बाद बिल्कुल मैं इसे ठंडे के लिए फ्रिज में रख दूँगी 2 से 3 घंटे के लिए। जब ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी, सर्विंग बाउल में निकाल लूँगी मैं सर्व करने के लिए। सर्विंग बाउल में निकालने के बाद मैं काजू बादाम पिस्ते से इसे गार्निशिंग करूँगी। इस पे लगा रही हूँ मैं वरक, ताकि अच्छा सा इस पे लुक आए। ये देखिए बिल्कुल बनके तैयार है अभी। इस खीर को हमें जितना ठंडा करके पीना है पी सकते हैं, क्योंकि जितनी ठंडी होगी उतना ही ये टेस्ट देगी अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please subscribe my channel.